हमारे साथ गया के एक छात्र हैं जिनका दावा है कि इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसे बम में सेट करने के बाद आसानी से बम को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। छात्र हैं, उनसे बात करेंगे कि इस डिवाइस का नाम क्या है और कैसे काम करेगा ये। सबसे पहले मेरा नाम दीक्षित कुमार हुआ, मैं गया जिला का रहने वाला हूँ। इस डिवाइस का नाम सेंसर एंड डिफ्यूजर बम टेक्नोलॉजी है। मैं एक सैंपल बनाया हूँ जो इस डिवाइस को अगर किसी भी बम में सेटअप किया जाता है तो सिंपली से उस बम को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। उस बम को डिफ्यूज करने के लिए एक चिप चाहिए, अगर उसके उनके पास चिप है तो डिफ्यूज कर सकते हैं। मान ले बाई चांस इस चिप को दुश्मन हमें बना भी लेता है किसी प्रकार से इस टेक्नोलॉजी के जरिए, तो उसका दूसरा स्टेप है कि उसमें चार पिन है, चार पिन को अगर मेल्ट करते हैं तो डिफ्यूज होगा। अगर चार पिन में दो पिन को मेल्ट करते हैं तो डिफ्यूज होगा, अगर दो पिन को गलती से करते हैं तो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। और सबसे पहले उनको डिफ्यूज करने के लिए टच करना पड़ेगा, तो जैसे ही टच करेंगे 3 सेंटीमीटर ऊपर ही हैंड रहेगा, वैसे ही वो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा अगर बिना चिप के करते हैं तो। इसका मुख्य रूप से 3 फायदा है। अगर इसको पहला अनडिफ्यूजल बम है, दूसरा लैंडमाइन के जैसा काम करता है। अगर इसको कहीं भी सेफ्टी के लिए लैंडमाइन लगाया जाता है, हमारे भारत सरकार लगाते हैं, अगर उस लैंडमाइन को अगर हमारा भारत के एनिमी क्रॉस करता है या किसी प्रकार से फोर्स लगाता है तो ब्लास्ट हो जाएगा। वही अगर हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन सिक्योरिटी अगर पार करती है, उस पर फोर्स लगाती है, अपने पास तोप चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास एक चिप रहेगा, उससे मैच रहेगा, दोनों में कनेक्टिविटी जुटे हुए रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तीसरा फंक्शन इसका ये है कि सुनने को मिलता है कि इंडियन आर्मी का हथियार कोई चोरी कर लिया या फिर बाई चांस हमारा भारत से और कोई देश से युद्ध होता है तो क्या होगा कि जैसे हमारा भारत का तोप है, अगर बाई चांस हमारा दुश्मन लेके चला जाता है तो अगर हम चाहें तो अपने मर्जी से उस तोप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे यह फायदा है कि हमारा हथियार से कोई नुकसान ना पहुंचाए। और अगर इंडियन आर्मी का बंदूक छीनने का कोशिश करता है और छीनने के बाद अगर 100 मीटर आउट ऑफ जाता है तो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। उसे आतंकवाद यह सोचेगा कि उसको छीनने में एक डर रहेगा, अगर छीन भी लिया तो जैसे ही 100 मीटर जाएगा ब्लास्ट होगा, उसका सुसाइड भी हो जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगा। हाँ, इसमें दो प्रकार हो सकता है, अगर चाहेंगे तो हम पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सेटअप करते हैं तो 100 मीटर ये आउट ऑफ जैसे जाएगा उसको ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर हम इस रेंज को बढ़ा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं। तो सोच कैसे आई कि इस तरह के डिवाइस बनाने के लिए? आखिर हम बोले कि जब न्यूज़ में देखा जाता है कि ऐसा सुनने को मिलता है कि इंडियन आर्मी का हथियार चोरी कर लिया और उस हथियार से इंडिया को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो हम सोचे क्यों ना कुछ ऐसा डिवाइस बनाया जाए कि हमारा इंडियन आर्मी का हथियार इंडिया के लोग ही यूज करे, मतलब इंडियन आर्मी यूज करे, उसका हमारा भारत के दुश्मन एनिमी न यूज करे और उससे हमारे देश का नुकसान ना हो।